बोरीवली पूर्व स्थित सिद्धार्थ नगर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भव्य ज्येष्ठालय का उद्घाटन आचार्य भूपेंद्र पांड्या जी के हाथों द्वारा किया गया। भाजपा सांसद गोपाल सेट्टी के अथक प्रयास से यह ज्येष्ठ नागरिकों का उद्यान बड़े ही अल्प समय में तैयार किया गया। इस उद्यान में वाचनालय, व्यायाम, म्यूजिक, योगा इत्यादि की विशेष व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गार्डन के अंदर ही पुलिस बीट की चौकी बनाई गई है। उद्घाटन समारोह में सिद्धार्थ नगर के कई वरिष्ठ नागरिकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत गीत संगीत प्रस्तुत किए। समारोह में भाजपा सांसद गोपाल सेट्टी आयोजक के तौर पर विशेष तौर पर मौजूद रहे एवं वरिष्ठ नागरिकों का सादा सत्कार भी किया। समारोह में स्थानीय विधायक प्रकाश सुर्वे, विधायक एवं पूर्व मंत्री योगेश सागर, बोरीवली के नवनिर्वाचित विधायक सुनील राणे मौजूद रहे। भाजपा सांसद गोपाल सेट्टी के कार्यों की सराहना करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के प्रति शुभेच्छा व्यक्त की। भगवान का जो भी आदेश आता है उसका पालन करने का प्रयास करता हूं और देखते देखते प्रकल्प बन जाते हैं, लोग इतने देखे बड़े मन में आते हैं। ईश्वरी काम करता हूं। राहुल गांधी का नाम ही मत लीजिए। राहुल गांधी के बारे में हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राज करोल जी ने बहुत अच्छी बात बताई। राहुल गांधी को एक बार 24 घंटा खाली जेल में रखें फिर उसको पता चलेगा कि वीर सावरकर जी ने कितने जीवन के सुनहरे कितने साल जेल में उन्होंने बिताए। राहुल गांधी सिर्फ 24 घंटा जेल में रहते हैं तो उसको जेल क्या होता है पता है। देखिए वीर सावरकर का आपने उल्लेख किया, मैं फिर एक बार बताता हूँ, हम सब ईश्वरीय काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ईश्वरीय काम करते हैं इसलिए भगवान आपके लिए सब वातावरण निर्माण करते हैं। ये राहुल गांधी वीर सावरकर के बारे में बोलकर इन लोगों को एक साथ में करते हैं, ये कांग्रेस और ये तुम्हारा फरहान अख्तर, जावेद जाफरी, ये सारे जो मंडली है वो सारे लोगों को इकट्ठा करके हिंदुओं को एक करने का काम करते हैं। तो हम तो इनका स्वागत करेंगे क्योंकि हमारे लिए रेडीमेड सब प्लेटफॉर्म ये लोग खड़ा करके दे रहे हैं। हमने बार बार कहा कि ये देश सबका है, ये देश हिंदुओं का, ये देश मुसलमानों का, ये देश क्रिश्चनों का, ये देश सिखों का, ये देश बुद्धिस्टों का, ये देश जैनों का है, ये देश सबका है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने गलत फहमी पैदा करके इस प्रकार का सब ये वातावरण खड़ा करते हैं। देखिए नागरिकों का बड़ा प्रेम रहा है, कार्यकर्ताओं का बड़ा साथ और सहयोग रहा है। देखिए हम एक परिवार के नाते में काम करते हैं, मैं जब परिवार हूँ मेरे पिताजी मुझे डांटते थे, मेरे पिताजी थे परिवार के दृष्टि से, और मैं जब काम करता हूँ तो मेरे साथ में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मैं प्रेम भी करता हूँ, गलती हो तो डांटता भी हूँ, डांटता हूँ तो मेरी जवाबदारी भी बढ़ जाती है। ये सब वोट कमाने के लिए जो आए हैं ना उनको वो, हाँ ये वोट कमाने वाले लोगों को इस्तेमाल करते हैं, मैं लोगों को इस्तेमाल नहीं करता, मैं इस्तेमाल होता हूँ।
साहेब बाला साहब ठाकरे मूल के सम्राट थे, बाला साहब ठाकरे जी का नाम आता है तो मूल के सम्राट के बारे में उनका उल्लेख किया जाएगा। जब कभी भी बाला साहब का नाम लिया जाएगा तो हिंदू हृदय सम्राट करके लिया जाएगा, इसमें किसी के मन में किसी भी प्रकार के संदेह होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति जो हम लोग देख रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो ये वापस कहूँगा कि वो इस प्रकार के हरकत कर रहे हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। राहुल गांधी जैसा कर रहा है ऐसे ये लोग देख करके हमारा जनाधार और बढ़ा रहे हैं। जो घुसखोर करके आए उसको तो निकालना पड़ेगा। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? 12 लोग रहते हैं। 13वां आदमी अगर आपके घर में आएगा तो आप क्या करेंगे? आप उसको बाहर घर से बाहर निकालेंगे ना। तो इस देश में ऐसे जो लोग आए हैं उनको रखना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। घुसखोरी कर कर आए हैं, निकालना चाहिए। जनता ने उसी तो हमको चुन कर दिया। वो लोग दंगा भड़का रहे हैं जो बाहर से आए, वो दंगा भड़का रहे हैं। अभी आपने कल का देखा कि NRC बिल आएगा, ये खाली वातावरण निर्माण होने से कितने लोग बांग्लादेश शिफ्ट हो गए, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना। तो वो लोग दंगा भड़का रहे, उनके मत पर उनके वोट पर जो राजनीति करते हैं वो दंगा भड़का रहे हैं। हाँ, वो दंगा भड़का रहे। लेकिन इस प्रकार का दंगा भड़काने से, लोगों में गलत फहमी पैदा करने से नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का कुछ बिगड़ना नहीं। यहाँ पर सिद्धार्थनगर में बोरीवली पूर्व में जो गोपाल शेट्टी के प्रयास से और पूरे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, धारा सभ्य हैं, कॉरपोरेटर हैं, उनके द्वारा ज्येष्ठालय बनाया गया है। बिल्कुल उज्जड़ जैसी ज़मीन पड़ी थी, वीरान सी पड़ी थी, वहाँ पर इन्होंने बहुत प्रयत्न करके खास करके बुज़ुर्गों के लिए और बुज़ुर्गों के साथ जो बच्चे आते हैं उनके लिए खेलने का स्थान बनाया, बैठने का स्थान बनाया, साउंड सिस्टम है जहाँ पर आकर के बुज़ुर्ग लोग समाज का बोझ न बने लेकिन प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करें। और वे यदि प्रसन्न रहेंगे तो पूरा परिवार प्रसन्न रहेगा, उनका आनंद सभी को मिलेगा। जैसे मैंने अपने प्रवचन में कहा कि यहाँ पर बुज़ुर्ग शायद बोझिल होकर आएंगे लेकिन प्रसन्नता का प्रसाद पाएंगे और समाज में बांटेंगे। तो ये ऐसे प्रकल्प की अत्यंत आवश्यकता होती है, और विशेष करके जब राजनेता ऐसे कार्य करता है जो समाज के समीप जाकर के आम आदमी तक अन टू द लास्ट जिसको पहुंचे ये लाभ, ऐसा कार्य गोपाल भाई और उनकी टीम कर रही है, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और अभिनंदन प्रदान करता हूं। आज के युग में अध्यात्म की जितनी आवश्यकता है 21वीं सदी के तीसरे दशक में उतनी शायद अतीत में कभी नहीं थी, क्योंकि जो तनाव व्यक्ति के रूप मन में उत्पन्न हुआ है, आज से 50 वर्ष पहले समाज ने जो भी सोचा था वो सारी बातें, संपत्ति कहो, सुख सुविधा के साधन कहो, स्वास्थ्य कहो, वो सभी को उपलब्ध है, फिर भी मनुष्य सुखी होने के बजाय दुखी होता जा रहा है क्योंकि वो तनावग्रस्त है, चिंता से डूबा हुआ है। और उसमें से बाहर निकालने के लिए एक धर्म और अध्यात्म ही है जो मनुष्य को प्रसन्नता दे सकते हैं। हमारे शास्त्र हैं, संत हैं, व्यासपीठ हैं, और वही ये काम कर सकते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति जब तक समझदार बालक नहीं बनेगा, भोलापन बालक तो प्रत्येक के जीवन में आता है लेकिन समझदार बचपना नहीं आएगा तब तक जीवन में प्रसन्नता नहीं आ सकती। और अध्यात्म व्यक्ति को निस्वार्थ बनाता है, निरपेक्ष बनाता है। जीवन में जब ये निस्वार्थता, निष्कामता, निरपेक्षता आती है और लोगों में प्रेम बांटने का उत्साह जब जगता है तभी जीवन प्रसन्न बनता है और आनंदमय बनता है। हमेशा से राजनीति को निर्देश करता आया है। हमारे प्राचीन भारत में राजा भी जब सिंहासन पर बैठता था उसका राज्याभिषेक किया जाता था तब एक छोटी सी बहुत सुंदर विधि थी कि राजा सिंहासन पर बैठता है और वो कहता है कि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि, मुझे कोई सजा नहीं कर सकता, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता, मेरा शब्द ही अंतिम शब्द है। उस समय पास में खड़ा हुआ ऋषि अपना दंड राजा के मस्तक पे रखता था और कहता था कि धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी। राजा, जब तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो तो धर्म तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा, क्योंकि धर्म के जो लोग हैं और वास्तविक रूप में जो धर्म की सेवा और समाज की उन्नति चाहते हैं उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, वो समाज का कल्याण ही चाहते हैं। इसलिए वो राजनीतिज्ञों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो प्रधानमंडल भी शिवाजी के राज्य में भी आप देखोगे तो अष्ट प्रधानमंडल और अष्ट ऋषि मंडल और बीच में राजा हुआ करता था। राजा को निर्णय लेने में सहायता करने के लिए अष्ट प्रधानमंडल होता था, मिनिस्टर्स होते थे और उनके ऊपर सुपरविजन के लिए अष्ट ऋषि मंडल होता था। तो वही हजारों वर्षों का जो टाइम टेस्टेड विजडम है उसके आधार पर राज्य चले, इसके लिए धर्म की राजनीति को मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी है, दायित्व है। ज्येष्ठांची सेवा ही ईश्वर सेवा है, ज्येष्ठों की सेवा, ज्येष्ठ नागरिकों की सेवा यही ईश्वर सेवा है, ऐसा मैं मानता हूँ।
एक उम्र के बाद आदमी को बच्चे, बहुत सारे बच्चे कुछ देर तक नहीं है और उनको छोटी छोटी बातों के लिए दिक्कतें आती है। उम्र के बाद बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती है, छोटी छोटी बातों की दिक्कतें आती है, ऐसे तो उन्हें क्या, उनको बड़ी तकलीफें होती हैं। ऐसा सेंटर होने से सभी ज्येष्ठ सीनियर सिटीजन इकट्ठा आते हैं, वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं और उनमें से एक अच्छा निकलता है उनका अनुभव, यही हमारे लिए सबसे बड़ी छिदोरी है, सबसे बड़ा ठेव है हमारे लिए। तो उनका अनुभव का हमने फायदा करना चाहिए और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे इधर भी आज आजमा गार्डन है, वहाँ 500 सीनियर सिटीजन रहते हैं, हर तरह के गेम खेलते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उनमें जिस जैसे जैसा वैसा उसमें और भी सुविधा लगी तो मैं मेरे फंड से करके दूंगा और सीनियर सिटीजन को इकट्ठा करने का कोशिश करूँगा। नहीं ऐसा नहीं, मेरे 5 नंबर वार्ड में ऐसा ही गार्डन हमने किया है, 4 नंबर में हर वार्ड में होना चाहते, खाली सिद्धार्थ नगर में नहीं था और गोपाल शेट्टी सब कर रहे थे, तो अच्छा काम कर रहे थे, उसको सपोर्ट देना हमारा अच्छा काम किया है, जो अच्छा को अच्छा ही बोल सकते हैं उसको बुरा कोई बोल ही नहीं सकता है। सर इसमें देखा जाए कि वरिष्ठ नागरिकता के लिए जो उन्होंने आज इतना अच्छा काम किया है इससे गोपाल शेट्टी को पुण्य मिलेगा? सवाल ही नहीं, मैंने पहले वो सब बात कही थी, ज्येष्ठ नागरिक की सेवा यही ईश्वर सेवा, ईश्वर की भगवान की पूजा करने की जरूरत है, अपने माँ बाप ही अपने भगवान है, उनकी पूजा करो तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा, इधर और मंदिर और गंगा स्नान करने की कोई जरूरत नहीं। और गोपाल शेट्टी ने आज ज्येष्ठ नागरिक की सेवा कर रहे हैं तो उनका पुण्य उनको मिलना ही है, भाई ज्येष्ठ नागरिक की सेवा की तो मैं 50,000 वोटों से चुन के आया ना, आश्रम बनवाएंगे इधर 50, मैं 50,000 वोटों से चुन के भी आया ना, आज 50,000 वोटों से चुन के आना छोटी बात नहीं है, वो सब ज्येष्ठ नागरिक के मिले आशीर्वाद ही है और उनके आशीर्वाद से और भी फलाफूल फलूंगा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। देखिए मैं सबसे पहले हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने यहाँ इस सिद्धार्थ नगर विस्तार में जो एक प्लॉट रिजर्वेशन में बंजर पड़ा था जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध था उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ज्येष्ठालय बनाया है, उसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। आप मेरे पीछे आवाज सुन रहे होंगे, ये परफॉर्मेंस भी कोई वरिष्ठ नागरिक ही कर रहा है, तो अपनी प्रसन्नता और इस प्रकार से व्यक्त करता है, ये मौका गोपाल शेट्टी जी ने उनको दिया है, मैं गोपाल शेट्टी जी का खूब हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और ऐसे जो भी रिजर्वेशन होंगे वो हमारे सांसद की नज़र में आप ला कर देंगे और या हमारे विधायकों की नज़र में ला के देंगे तो उसको उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का हम काम करेंगे। राहुल गांधी की उम्र कम है, राहुल गांधी की जितनी उम्र है 19 साल, स्वतंत्र वीर सावरकर के परिवार ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, ये अपनी नानी की कमाई, अपने पिता की कमाई, अपने माँ के पिता के नाना की कमाई, इसके ऊपर मौज करने वाला राजकुमार है, इसलिए राहुल गांधी की बात के ऊपर और सावरकर के विषय पर राहुल गांधी से कोई बहस करना मैं नहीं चाहता, राहुल गांधी बुद्धिहीन व्यक्ति है। भाजपा उस मुद्दे पर तब क्यों इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है? आंदोलन इसलिए कर रही है कि राहुल गांधी बुद्धिहीन है और सावरकर के बारे में उसने नहीं बोलना चाहिए, उसने अगर बोलना चाहे तो किसी पागल के बारे में बोलना चाहिए। नहीं बुद्धिहीन है इसलिए लोगों को बताना चाहिए क्योंकि वो कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है, आज भी गांधी परिवार का व्यक्ति है और मीडिया उसको ही सबसे ज्यादा तवज्जो देती है, इसलिए हमको आपके सामने बोलना पड़ता है कि वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। आज ज्येष्ठ नागरिक का विषय है, आपने राहुल गांधी और सावरकर के बारे में पूछा, सावरकर हमारे पूरे आराध्य देव है, सावरकर के बारे में शिवसेना का क्या मत है वो आप उद्धव ठाकरे जी से पूछिए या संजय राउत से पूछिए। वरिष्ठ नागरिकों की जो बात आई है वो इसी पे बात आती है, नागरिकता कानून का इतना बवाल मच रहा है, कोई इसको समझ पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है? देखिए इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, सभी राज्यों के नेताओं ने और बड़े बड़े लोगों ने भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में बताया है, एकदम स्पष्ट बात है ये कि कानून देश में नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, इसलिए बारे में जो भी गैर समझ फैलाई जा रही है या तो जानबूझ के फैलाई जा रही है या तो लोग समझ करके जानबूझ कर समझना नहीं चाहते। कैमरा पर्सन
अंजलि मिश्रा के साथ धनिष धारी यादव, मेट्रो मुंबई।